अब एनडीटीवी की पत्रकारिता का लेवल 1 क्या है? दूसरे लेवल पर आई, लेवल 3 पर आई, लेवल 4 पे आई, पांचवें लेवल पर आई, लेवल 6 है, मैग्सेसे अवार्ड मिला है। मैग्सेसे अवार्ड मिला है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपके सामने देश में चल रही देशद्रोही पत्रकारिता का चेहरा बेनकाब करूंगा। साथ ही ये भी दिखाऊंगा कि खबर देने के नाम पर ये पत्रकारिता किस प्रकार से देश को या प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का खेल खेलती है। इस कड़ी में मैं आपको एनडीटीवी की पत्रकारिता का 6 लेवल दिखाऊंगा, जिसके जरिए देश की जनता एनडीटीवी को देश के खिलाफ खड़ा मानती है। और मैं सबसे पहले एनडीटीवी का जो चर्चित चेहरा है रवीश कुमार, मैग्सेसे अवार्ड मिला है, उनका एक पुराना ब्लॉग आपको उसका कुछ एक हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं, फिर मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि आज ये बातें उनके लिए खुद ही सटीक साबित हो रही हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा था, न्यूज चैनलों को देखना खुद के पतन को देखना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कोई भी न्यूज चैनल न देखें, न टीवी सेट पर देखें और ना ही मोबाइल पर। अपनी दिनचर्या से न्यूज चैनलों को देखना हटा दीजिए। बेशक मुझे भी ना देखें, लेकिन न्यूज चैनलों को देखना बंद कीजिए। रवीश कुमार न्यूज चैनलों को देखने से लोगों को रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब आगे जो मैं आपको उनका एनडीटीवी का 6 लेवल दिखाऊंगा, 6 चेहरा दिखाऊंगा ना, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनडीटीवी को क्यों नहीं देखना चाहिए। और रवीश कुमार की ये वाणी उनके लिए ही सही साबित हो रही है। अब एनडीटीवी की पत्रकारिता का लेवल 1 क्या है, आप बड़े ध्यान से देखिए। सोशल मीडिया से मैंने एक कुछ ट्वीट्स उठाए हैं और ये ट्वीट नंबर 1 मेजर सुरेंद्र पुनिया का ट्वीट है, वेरीफाइड अकाउंट है और मेजर भी हैं। अब इस ट्वीट में देखिए कहानी क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन से लौटे जो विद्यार्थी है ना, उसका इंटरव्यू किया गया। अब वीडियो में यही एनडीटीवी दिखाता है और वीडियो के बाद जो स्टोरी का एंगल निकाल कर उसे पब्लिश किया गया, उसे क्या रंग दिया गया, ये आपको इस ट्वीट में दिखेगा। आप पहले ये पूरा हिस्सा सुन लीजिए। इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स ने किस तरह मदद करी? इंडियन जैसे हम पार हुए तमाम इंडियन एम्बेसी ने संभाल लिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। ठीक है, सारा काम स्मूथली होता गया, उन्होंने खाना पानी सब प्रोवाइड कर दिया हमें। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो शेल्टर में, और सही बता रहा हूँ 5-स्टार होटल जैसा शेल्टर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो रही है उनके साथ। तो जैसे इंडियन एम्बेसी ने संभाला फिर चीजें ठीक हो गई। अब आप देखिए मेजर सुरेंद्र पुनिया ने क्या लिखा है, एनडीटीवी इज नॉट ए न्यूज चैनल बट ए वेल ऑयल्ड प्रोपेगेंडा मशीन। स्टूडेंट इन इज सेइंग इन वीडियो, इंडियन एम्बेसी प्रोवाइडेड 5-स्टार फैसिलिटीज बट एनडीटीवी राइट्स इट वॉज लाइक हेल, देयर ओनली एम इज टू क्रिएट एनार्की। अब देखिए ये आरोप लगा रहे हैं और दिख भी रहा है इस वीडियो में कि लड़का तारीफ कर रहा है, लेकिन जब आप उसी वीडियो को एंगल देकर के प्रकाशित करते हैं तो लिखते हैं इट वॉज लाइक हेल, वो बुराई कर रहा है। अब मैंने ये स्टोरी ढूंढने की कोशिश की, आप देखिए, इट वॉज लाइक हेल इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन आफ्टर लैंडिंग इन दिल्ली, ये आपको ये स्टोरी जो है अब भी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो जाहिर तौर पर लोगों को मौका मिलेगा। अब एक और ट्वीट देख लीजिए, ये आलोक भट्ट हैं, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट, उन्होंने भी इस वीडियो को अपलोड किया है और क्या लिखा है, एनडीटीवी प्रोपेगेंडा फैक्ट्री एट वर्क, एजेंडा इज सुप्रीम, ट्रुथ कैन गो टू हेल। अब आप समझ रहे हैं ना कि एनडीटीवी इतना बड़ा मीडिया संस्थान है और उसके खिलाफ वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से लोग इस उनके एजेंडे को पर्दाफाश कर रहे हैं, ये उनका लेवल 1 एनडीटीवी का। अब एनडीटीवी की पत्रकारिता के दूसरे लेवल पर आइए। इस लेवल में एनडीटीवी बहुत सारी चीजें छिपा लेता है और उन्हीं चीजों को प्रकाशित करता है जो उसके काम की चीज हो, माने जिससे उसका एजेंडा पूरा होता हो, और ये सोशल मीडिया की में लोगों की नजरों पर भी चढ़ा हुआ। आप ये देखिए, ये एक ट्वीट है, हाउ कांग्रेस डज प्रोपेगेंडा, आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनडीटीवी फाइंड्स डॉटर ऑफ कांग्रेस वर्कर। मतलब यूक्रेन में हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, सबको मदद की जरूरत थी,
भारत सरकार सबके लिए काम कर रही थी, सबको कष्ट हो रहा होगा। भाई यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा है तो थोड़ी ना वहां पर आपको मलाई और रबड़ी बट रही होगी, ये तो यहीं पे हो सकता है कि किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पिज्जा बर्गर से लेकर के आपको ड्राई फ्रूट से मिल रहा है, वहां तो युद्ध की स्थिति है, तो हजारों बच्चे फंसे होंगे। लेकिन NDTV को वही लड़की दिखाई पड़ी जो कांग्रेस नेता की बिटिया है, बेटी है, वो भी पढ़ रही होगी, वो भी मुसीबत में होगी, लेकिन चूंकि आपको एजेंडा ही दिखाना है तो आपने उसी वीडियो को चुन लिया। जाहिर है लोगों को मौका मिलेगा। अब इस ट्वीट में चारों बातें हैं कि जैसे ही उन्होंने पकड़ा कांग्रेस भी उछल पड़े, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, दूसरा फिर रणदीप सुरजेवाला ने भी कर दिया, आप देखते जाइए। अब ये जो है ये सुमित्रा यादव उसकी बेटी है और सुमित्रा यादव कांग्रेस की कार्यकर्ता है, अभी उत्तराखंड चुनाव में इसने जमकर प्रचार किया, तो जनता ने NDTV के इस खेल को पकड़ लिया। अब लोग मतलब आगे एक मैं आपको और एक ट्वीट दिखाता हूं, अब देखिए ये सारे लोग पिल पड़े NDTV पर, भाजपा के नेता भी थे, आम जनता भी थी। अब इसमें देखिए, इसमें आपको पता चलेगा, एट ए टाइम व्हेन मोदी गवर्नमेंट इज गोइंग ऑल आउट टू इवैक्यूएट ईच एंड एवरी सिटीजन फ्रॉम यूक्रेन, द नोटोरियस NDTV इंटरव्यूज अ कांग्रेस लीडर्स डॉटर ट्वाइस। अब देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि NDTV ने दो बार इसी लड़की का इंटरव्यू लिया। भैया वहां हजारों बच्चे विद्यार्थी फंसे, आपको कोई नहीं मिला, यही लड़की आपको मिली क्योंकि कांग्रेस नेता की बेटी है, और आपने इंटरव्यू ले भी लिया तो आपने बताया कि ये कौन है, इसकी पहचान क्या है जो मोदी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रही है। तो NDTV इधर एक ही लड़की को बार बार उठा रहा है, वो बुराई कर रही है, अब इधर कांग्रेसी नेता उसे पकड़ रहे हैं, राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला और सच्चाई। अच्छा इसमें एक और दिलचस्प बात है कि इसकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद ही लिखा, इट इज माई डॉटर विशाखा, कीप इट अप रणदीप सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी, खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में मुझे नेताओं से क्या लेना देना, मैं तो आपको NDTV की पत्रकारिता का लेवल दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से वो एजेंडा चला रहा है। अब NDTV की पत्रकारिता के लेवल 3 पर आइए। इस लेवल में क्या करता है कि जैसे जो चीजें मोदी सरकार के खिलाफ होती हैं तो वो तो बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्टोरी आ गई जिससे विपक्षी दलों पर सवाल खड़े होते हैं तो उसे वो गायब कर देता है। अब मैं आपको इस लेवल को समझाने के लिए आपको एक कहानी बताता हूं। वहां से यूक्रेन से हजारों विद्यार्थी लौट रहे हैं, उसमें एक जो लड़की है नाम है वैशाली यादव, उसने भी एक वीडियो बनाया, वो हरदोई की रहने वाली है और उसने वीडियो बनाकर बताया कि भैया हम सबको दिक्कत है, यहाँ पे कष्ट है और भारत सरकार पर वो दबाव डाल रही है कि आप मदद कीजिए, मदद नहीं मिल रही है, इस प्रकार की बात कह रही है, मतलब भारत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो अचानक से ये पता चला कि यूक्रेन में जो लड़की है जो MBBS की पढ़ाई कर रही है वो दरअसल उत्तर प्रदेश के एक गांव हरदोई में पुरसौली ग्राम की प्रधान है और वो समाजवादी पार्टी के एक नेता की बेटी है। अब ये चीज़ें पता चल गई और ये स्टोरी सब जगह पब्लिश होने लगी। लेकिन NDTV की बात बताता हूँ कि मतलब ये खबर सबको पता है, ये बहुत गंभीर मामला था कि एक लड़की जो एक गांव की प्रधान है, एक पोस्ट पर है, सरकारी पोस्ट पर है एक तरीके से कहिए, चुनाव जीत कर गई है और वो गायब है, उसके नाम पे काम हो रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो लड़की है ही नहीं वहां पे, मतलब कितना गंभीर अपराध है। और पूरी दुनिया में ये खबर छपी हुई है, मैंने NDTV में ढूंढना चाहा, पूरी खबर ही गायब है, कहीं कोई खबर ही नहीं है, मतलब ऐसे नजरअंदाज कर दिया गया, मतलब ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। और ये क्यों हुआ ये भी समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आपकी इस स्टोरी से आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पर भी सवाल खड़े होंगे, भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं उसमें और एक कहानी जुड़ जाएगी। तो मैंने NDTV में इसे ढूंढने की कोशिश की, एक स्टोरी मिली, सिर्फ एक कहानी, और उसमें भी सिर्फ खबर मिलेगी, बाकी कहानियों में तो मिर्च मसाला NDTV लगा देता है, लेकिन इस खबर को एक तरीके से गायब कर दिया और सिर्फ खबर के, मतलब कहीं हम पे आरोप ना लग जाए तो एक छोटी सी स्टोरी जोड़ दी। यह है NDTV का लेवल।
अब एनडीटीवी की पत्रकारिता के लेवल 4 पे आई है। ये लेवल बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसमें एनडीटीवी का जो रुख है वो देशद्रोही वाला है। आप ये आपको जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ लेवल, उसमें एनडीटीवी को की जो जम्मू कश्मीर को लेकर राय है वो आपको पता चलेगी। एनडीटीवी को लगता है ऐसा कि वो जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार को भी मानता है, वो मानता ही नहीं कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य एग्जिस्ट करता है। ये बहुत खतरनाक है। आप ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में आपको पता चलेगा क्या लिखा है। इस ट्वीट में, इंडियंस इन मोल्डोवा हेल्प, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम यूक्रेन। आप समझ रहे हैं, इंडियंस इन मोल्डोवा, मोल्डोवा के जो भारतीय हैं वो जम्मू और कश्मीर के विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकलने में मदद कर रहे हैं। मतलब एनडीटीवी के लिए इंडियन एक अलग आइडेंटिटी है, जम्मू और कश्मीर एक अलग आइडेंटिटी है। अगर आप लिखते कि उत्तर प्रदेश के लोग जम्मू कश्मीर को मदद कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग, तो कोई बात होती कि आप इंडियन को, बट आपने इंडियंस को एक सेपरेट आइडेंटिटी दे दी, जम्मू कश्मीर को अलग। अब देखिए, आप इस स्टोरी को भी देखिए जो इसने ट्वीट किया है। 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर लीव मोल्डोवा हेडेड टू रोमानिया। अब इसके अंदर का एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इन अ वीडियो शेयर्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन, एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, जहां पर दो बड़ी महाशक्तियां, दो गुट एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं, पूरा विश्व युद्ध होने की बात हो रही है, और वहां पर आप स्टोरी को शुरू करें जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑन इट्स ट्विटर हैंडल। अब आगे बढ़िए, ए मेंबर ऑफ द ग्रुप इज सीन गिविंग अपडेट्स अबाउट विच रूट द इंडियन स्टूडेंट्स आर टेकिंग। मतलब जम्मू कश्मीर के बच्चे और इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब आप खुद समझिए। अब जब बात देश की आएगी तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही। अब देखिए, मैं कुछ इस पे एकाद जो गुस्सा लोगों ने निकाला वो क्या है। इंडियंस एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, इसने दो इन्हीं दोनों ग्राफिक्स को ट्वीट किया है। डजंट एनडीटीवी बिलीव दैट जम्मू कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर अनुराग ठाकुर को इसने टैग भी किया है, स्ट्रिक्ट एक्शन इज अ मस्ट। बाय द वे, मोल्डोवा इज एन इंडिपेंडेंट ईस्टर्न यूरोपियन नेशन एंड नॉट पार्ट ऑफ यूक्रेन। अब देखिए, इसने जो ट्वीट किया है, शायद कुछ बदलाव किया होगा एनडीटीवी ने, इसने मोल्डोवा को यूक्रेन का हिस्सा बना दिया, जबकि मोल्डोवा एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है ईस्टर्न यूरोपियन का, और उसको उसने यूक्रेन का हिस्सा बना दिया, और जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, पूरी दुनिया मानती है, उसको इसने अलग कर दिया। तो ये है एनडीटीवी की पत्रकारिता का एक नया लेवल। अब एनडीटीवी की पत्रकारिता के 5वें लेवल पर आइए। ये लेवल बहुत खतरनाक है। ये जो एनडीटीवी इस लेवल में कर रहा है, उसमें पूरी दुनिया के सामने भारतीय मीडिया को बदनाम करने, भारत को बदनाम करने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, साजिश है। इसके जरिए एनडीटीवी फर्जी खबरों को, फर्जी वीडियो को, फर्जी तस्वीरों को अपलोड करता है, प्रकाशित करता है, और लोगों को उकसाने का, भड़काने का माहौल बनाता है। अब आपको मैं जो खबर दिखा रहा हूँ, इसमें क्या किया है इसने कि एक बच्ची का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो बच्ची एक सैनिक जो टैंक के साथ खड़ा है उससे लड़ने का प्रयास करती है। इस वीडियो को देखकर जाहिर तौर पर किसी को भी गुस्सा आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वीडियो 10 साल पुराना है। इसका यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ये तो फिलिस्तीनी युद्ध का वीडियो है, लेकिन एनडीटीवी ने इसे पोस्ट किया ताकि लोगों का गुस्सा भड़क उठे। अब आप समझिए कि इस युद्ध में एक भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां ना वो यूक्रेन का साथ दे रहा है ना रूस के विरुद्ध कह सकता है, क्योंकि विदेश नीति, विदेश की जो कूटनीति है वो एक अलग चीज़ होती है, और उस पर कभी मैं अलग से बहस करूंगा। लेकिन चूंकि मोदी सरकार को बदनाम करना है, भारत सरकार को बदनाम करना है और भारत की मीडिया को बदनाम करना है, तो एनडीटीवी ने ये काम किया। उसने इसकी पड़ताल नहीं की, जबकि एनडीटीवी कितना बड़ा ग्रुप है, इसके एक पत्रकार को तो मैग्सेसे अवार्ड ही मिल चुका है। अब जरा सोचिए कि क्या इसी वजह से मिला है इन्हें। इन्होंने अपनी सारी नैतिकता को तार तार कर दिया है, और इस स्टोरी ने जिस प्रकार से भारत को बदनाम किया है
वो अपने आप में देशद्रोह से कम नहीं है। अब एनडीटीवी का जो लेवल छठा है वो बहुत खतरनाक है, और ये स्टोरी देखकर आप माथा पीटने को मजबूर हो जाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि एनडीटीवी किस प्रकार से दुनिया के सबसे ताकतवर देश को भड़काने का प्रयास कर रहा है। वो अमेरिका को इस बात के लिए भड़काने का प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन युद्ध में आपको भारत के खिलाफ गुस्सा क्यों नहीं आता है, भारत जो काम कर रहा है आपको वो गुस्सा क्यों नहीं आता है। ये वही हाल है जो कांग्रेस का नेता पाकिस्तान में जाकर वहां के राजनीतिज्ञों से कहता है कि आप भारत में मोदी सरकार को हटा दीजिए। यही काम एनडीटीवी अमेरिका से कह रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा कीजिए, भारत के खिलाफ गुस्सा कीजिए। ये लाइन है, आप देखिए ये स्टोरी मैं पढ़कर इसका हेडलाइन सुनाता हूं, मैं हिंदी में भी इसके बारे में बता दूंगा। एनडीटीवी एंकर ट्राइज टू परसुएड द यूएसए टू बी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया गेट स्नब्ड, हाउ इंडियाज स्टैंड इन द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इज न्यूएंस्ड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप निराश नहीं होते, अमेरिका से पूछ रहा है। अब आगे देखिए, ऑन फ्राइडे कंट्रोवर्शियल फार लेफ्ट न्यूज आउटलेट एनडीटीवी डिड समथिंग सिमिलर टू परसुएड द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट टू टेक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग ऑन ए यूएस बैक्ड यूएन रेजोल्यूशन टारगेटिंग रशिया। मतलब अमेरिका ने जो स्टैंड लिया है, जो वोटिंग करवाई, उसमें भारत एब्सटेन रहा तो आपको गुस्सा नहीं आया। ये एनडीटीवी का सवाल है, और आगे देखिए थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। एनडीटीवी न्यूज एंकर श्रीनिवासन जैन वॉज कॉट प्लीडिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव डेस्परेटली टू बी डिसअपॉइंटेड अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट सपोज्ड फेंस सिटिंग इन द ऑन गोइंग यूक्रेन रशिया क्राइसिस। इससे कई चीज़ें पता चलती हैं। एक तो कि आपको रूस यूक्रेन मामले में आपको पता ही नहीं है कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए, और चूंकि मोदी सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है, मोदी सरकार ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया इस मामले में, लेकिन फिर भी अमेरिका ये मानता है कि भारत सरकार जो कर रही है उसमें गलत नहीं है, ये भारत के हित में है, लेकिन एनडीटीवी को भारत का अहित करना है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि एनडीटीवी ने जिस प्रकार से अमेरिका को उकसाया, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, ये अपने आप में पत्रकारिता का जो पतन जो रवीश कुमार कह रहे थे ना, ये उसी की बात है। एनडीटीवी खुलकर देशद्रोही पत्रकारिता पर उतर आया है, चूंकि उसे मोदी का विरोध करना है तो वो भारत का विरोध करने से भी नहीं चूक। साथियों, अगर आप एनडीटीवी चैनल के प्रमुख चेहरे रवीश कुमार का कोई भी शो देख ले तो वो हमेशा दूसरे न्यूज चैनलों को गाली देने कोसने का काम करते हैं। ऐसा लगता है मानो दुनिया में पत्रकारिता की ठेकेदारी उन्हीं को मिल गई है। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कि जो चोर होता है वही हमेशा कोतवाल बनने की कोशिश करता है, वही दूसरों को हमेशा संदेह की नज़रों से देखता है। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।